अपना नीचे मेरा नीचे ही है तेरा आता और नीचे का यार रोलिंग शिल्पा जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगी आई यहां पे सात्विक द सात्विक किचन इज अ ब्यूटीफुल बुक और मुझे बहुत खुशी है कि हंसा माँ ने सोचा कि मैं इस बुक को लॉन्च करने की काबिल हूँ तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे बहुत खुशी है कि ये हो पाया आज का जो इवेंट विथ माय क्रेजी स्केड्यूल्स लेकिन इन्होंने भी वेट किया मेरा एंड मुझे ऐसे लगता है कि आयुर्वेदा और योगा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत ही आई फील अंडररेटेड ये दोनों साइंसेस बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहे हैं हमारे ही कंट्री में व्हेन द वर्ल्ड इज़ लुकिंग अप टू यू नो योगा एंड आयुर्वेदा तो सात्विक किचन इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ यू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड कि कैसे खाना चाहिए कितना खाना चाहिए कैसे पकाना चाहिए कब खाना चाहिए और कितना चबाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में उस विषय पे और टिप्पणी देंगी हंसा माँ बताइए हंसा माँ नहीं आपने जो कहा वो बहुत सही है लेकिन उसके ऊपर एक और बात आती है कि आपके मन की स्थिति क्या है जब आप खाना खा रहे हो अगर आपको अभी गुस्सा है चिंता है तो आप खाना मत खाइए सिर्फ लिक्विड ले लीजिए कुछ पी लीजिए छाछ ले लो नींबू पानी ले लो मगर खाना मत खाओ वो खाना फिर बॉडी में जमा हो जाएगा पॉइजन की तरह काम करेगा तो ये माइंड को योग बहुत ज़्यादा मानता है इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन की बात करता है सिर्फ खाना नहीं सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं मगर आपके शरीर के मन की स्थिति तो ये जब सब जोड़ कर हम कुछ कर रहे हैं और इस किताब में ये सारी चीज़ें बताई हैं तो लोगों को समझ में आएगी शिल्पा जी आपके खाने की बात की जाए तो हम देखते हैं कि आपको कोई चीट डे होता है जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बट आपका जो है तो हर किसी को लगता है कि आप इतनी अच्छी चीज़ खा रही है लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चीट करती हूँ दूसरे जो हैं वो सिर्फ चीट करते हैं और हफ्ते में एक बार डिसिप्लिन या बैलेंस रखते हैं अपने खाने में ये फ़र्क है बस मुझ में और उन लोगों में आई थिंक ज़िंदगी में आप कुछ भी करो अच्छे मन से करो और अच्छा सोचो और जैसे हंसा माँ ने कहा जब खा रहे हैं तो अच्छा सोच के खाओ तो फिर वो बॉडी को लगता भी है शरीर को लगता है आप जब आप अन्न को देखते हो तो वही अन्न जो होता है वो आपके शरीर पे या तो मेडिसिन का काम कर सकता है या स्लो पॉइजन का काम कर सकता है डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कुकिंग इट हाउ मच यू आर कुकिंग इट वेयर यू आर बाइंग योर प्रोड्यूस फ्रॉम ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और होम मेकर्स के लिए स्पेशली और आज के जेनरेशन के लिए जैसे हंसा माँ ने कहा कि बहुत बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है भूख लगी पैकेट खोला खा लिया हम पैकेट के पीछे क्या लिखा हुआ है वो दिखते भी नहीं है प्लीज़ इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी ईटिंग इन अवेयरनेस बी माइंडफुल अबाउट ईटिंग शिल्पा मैम आपने ये भी कहा है कि कनेक्टेड टू रूट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो आजकल ये काफ़ी यंग जनरेशन हो गए जो हमारे बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री आप अपनी बात कर रहे हैं यंग जनरेशन यस तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रूट्स से नहीं जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं या कुछ भी चीज़ जो आर्टिफिशियल मत खाइए यस तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे लास्टली मैसेज क्या पैकेट को पढ़िए अगर आप पैकेट से खा रहे हैं तो उसमें देखिए कि शुगर कॉन्टेंट कितना है प्रिजर्वेटिव्स हैं आप अपने बच्चों को वो सामान दे रहे हो क्यों आप घर पे खाना नहीं पका सकते दो मिनट की बात होती है ये जो हम लोग एपथी दिखाते हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच बहुत आसान है एक्चुअली कुक करना घर पे अपने बच्चों को अगर हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर और इतनी अजीब अजीब बीमारियाँ अभी फैल रही हैं द रेट ऑफ ऑल दीज डिजीज हैव गॉन अप बिकॉज ऑफ द वे वी आर ईटिंग है ना
मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपना खाना किस में बनाती हैं? घी में बनाती हैं कि घी से परहेज है? घी से बनाते हैं कभी कभी। हाँ, आप हेल्दी हैं? हेल्दी मतलब जो हेल्दी चीज़ें हम खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये जनरेशन है तो इसको, ये जो हमारे पुराने टेक्निक्स हैं जो हम लोग 70 और 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, जैसे वो लोग खाते थे, अभी ये आजकल नया फैड शुरू हो गया है, 6-7 मील्स खाओ, तब खाओ जब भूख लगे। क्योंकि किसी ने बोला है कि 6 बार खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि 6 बार खाओ। भूख नहीं भी लग रही हो अगर आप ठूस रहे हैं अपने मुंह में तो क्या फ़ायदा। आप तब खाने में थोड़ा ही खाओ, ज़्यादा पेट भर भर के मत खाओ। सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, पेट भरने के लिए नहीं। तो यंग जनरेशन को ये देखना है कि खाली कुछ सॉलिड खा लिया उससे बात नहीं बनेगी, कुछ लिक्विड भी ज़रूरी है, क्योंकि सब स्ट्रेस में है। कौन स्ट्रेस में नहीं है आज, इसलिए ज़रूरी है। वो स्ट्रेस में फिर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा स्ट्रांग है, वो एसिड का एक ड्रॉप लेके आप अगर कपड़ों पे डालोगे ना तो 4 लेयर खट्टा करके निकल जाएगा, इतना स्ट्रांग वो एसिड है, और वो पेट में चला जाता है। आपने लिक्विड कुछ दिया ही नहीं है, प्रॉब्लम ये सब है। इसलिए क्या एग्जैक्ट खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, किस बर्तन में पकाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है सीखना, और इसीलिए ये किताब लिखी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.